अमरीश पल्लिका भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं आज एक मिक्स बैग है, कोई क्लियर कट सेक्टर नहीं है जो लीड कर रहा है इस मूव को। बैंक्स में तेजी है, कैपिटल गुड्स में तेजी है, कहां पर आपको इस समय पैसे लगाने में कॉन्फिडेंस है? मैं तो बोलूंगा कि लाइक इट्स एक्सट्रीमली गुड पुल बैक आफ्टर द सॉर्ट ऑफ अ क्रैक जो हम लोगों ने लास्ट दो तीन हफ्तों में देखा था। एंड आई डोंट थिंक दिस पुल बैक विल लास्ट टू लॉन्ग बिकॉज वी ऑलरेडी सीन अ पुल बैक ऑफ नियरली 300 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से शायद ज्यादा ऊपर नहीं जाए। एंड दिस पॉसिबली इज अ गुड टाइम फॉर पीपल हु हैव स्टक अर्लियर to start booking out to a large extent, and especially I mean I would say the banking space is one space from where people should exit, kyunki jo problems hai banking space mein like NPAs and credit growth, I think that will be there at least for the next 2 to 3 quarters, so I think it's a great time to exit that space then buying. Kis stock se aap pehle paisa nikalna chahenge banks mein? मैं तो बोलूँगा जो लाइक फ्रंटलाइन PSU बैंक्स हैं, जैसे SBI हो या बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB, आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स टू एग्जिट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इवन अमंग द प्राइवेट सेक्टर वंस आई वुड से येस बैंक, वेयर वी हैव सीन अ मेजर क्रैक आफ्टर दैट वी हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ अ बाउंस बैक नाउ, आई थिंक दिस इज अनदर स्पेस अनदर स्टॉक इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक वेयर यू शुड बी एग्जिटिंग। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं और खासतौर से बैंक निफ्टी, पहले इस पर आपसे राय लूंगा आशीष, 1.25% की मजबूती है जबकि निफ्टी 0.5% मजबूत है, तो काफी दिनों बाद आज पहली बार बैंक निफ्टी में निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन होते हुए दिख रहा है, क्या किया जाए? जी अनिल, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बैंकिंग में एक अच्छा पुलबैक की चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कम से कम 200-250 पॉइंट की एक रैली अभी बैंक निफ्टी में के अंदर में देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी समय बाद हमने देखा कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफ़ी अच्छा बिल्डअप हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला, खासतौर पर ICICI, एक्सिस, HDFC बैंक, येस बैंक, इनमें जिस तरह की एक रिकवरी देखने को मिल रही है और जिस तरह का बिल्डअप बना है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छे पुलबैक के चांसेस इसके अंदर में बन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि PSU बैंक्स में भी जैसे SBI, PNB, इनके अंदर में काफ़ी एग्रेसिव पोजीशंस थी और आज की जिस तरह की ओपनिंग हुई उसके चलते कहीं ना कहीं कवरिंग इनके अंदर भी देखने को मिलेगी, तो एक्सपायरी के इस वीक में मैं समझता हूं कि 200-250 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी के अंदर में हमें देखने को मिल सकती है। ओके, यहां पर जो एक्टिविटी रियल एस्टेट काउंटर्स में लौट कर आई है, DLF हो, HDIL हो, सोमल आपकी क्या रणनीति होगी यहाँ पर, क्या अपॉर्चुनिटी है और गेंस की, या फिर इधर ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूल करें? नहीं, आई थिंक HDIL इज द बेस्ट बेट राइट नाउ। आई बी एक्सपेक्टिंग 40 के लेवल्स, लास्ट वीक भी IPL गेम खेल रहे थे वहाँ पर भी HDIL मैंने लॉन्ग किया था बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ टारगेट्स ऑफ अराउंड 40 इन द मीडियम टर्म आउटलुक, लेकिन जो ये एक वीक काउंटर है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो नेगेटिव है, ऊपर के लेवल्स पे कहीं पे भी वीकली नेगेटिव क्लोज मिले वहां पे शॉर्ट करना है इस स्टॉक को। HDIL है, DLF है, एनी रियल एस्टेट और एनी यू नो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, उनको शॉर्ट करना है वीकली नेगेटिव क्लोज पे। ओके, लेकिन एक और स्पेस जहां पर आपसे राय लेना चाहता हूं सोमिल, वो है IT शेयरों की। जिस तरह से रुपए में पिछले दो सेशन में रिकवरी दिखी थी, आज थोड़ी सी भले ही कमजोरी, लेकिन उसके बावजूद IT शेयर थोड़े प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखा रहे हैं, क्या ऐसा समझा जाए कि बाजार ऊपर जाएगा तो IT शेयर उसके विपरीत नीचे रहेंगे, इस लिहाज से कहीं, क्योंकि आप निफ्टी पर और बाजार पर बुलिश हैं, IT शेयरों से कहीं हेजिंग करेंगे आप, यदि हाँ तो क्या बेचेंगे? आई थिंक इन्फोसिस वुड बी माई टॉप सेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि दूसरे जो स्टॉक्स हैं उनमें अभी भी थोड़ी सी मोमेंटम है और लो टॉप लो बॉटम बनना अभी शुरू नहीं हुआ है। टेक महिंद्रा में लो टॉप लो बॉटम बनना शुरू हुआ था, लेकिन फिर से 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ फिर से रुक किया है। लेकिन इन्फोसिस मैं समझता हूँ कि एक बड़ा रेंज है और वो बड़े रेंज के अपर एंड तक ऑलरेडी पहुँच चुका है, इनफैक्ट उसके ऊपर थोड़ा सा चला गया है, जिसे हम थ्रोअर कहते हैं, थ्रोअर होकर अब फिर से नेगेटिव रुझान दिखा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा शॉट है। बैंक अगर आप बुलिश हैं निफ्टी में तो ये आपका हेज रहेगा सेल साइड पर। ओके, तो ये फिलहाल एक स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, लेकिन कुछ और काउंटर्स जिन पर आज बाजार नजर रखे हुए हैं उनमें ऑफ कोर्स ये कैपिटल गुड स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्गली सामने आए हैं, L&T हो, BHEL में जिस तरह का मूव पिछले हफ्ते था। अमरीश, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि बार्क्लेज जैसे FII ब्रोकरेजेस भी है जो ओवरवेट का स्टांस ले रहे हैं L&T जैसे काउंटर पर, क्या तेजी की जाए, अगर है स्टॉक कितना अग्रेसिव पोजिशन होल्ड की जा सकती है? तेजी तो आई मीन आई वुड से वी शुड बाय राइट नाउ,
because I think the reason for this bounce back is the sort of a talk of protection for the Indian capital goods space. But jab tak economy improve hota nahi hai, I don't think any of these capital goods companies could do well, because clearly one could see from the sort of results which came from BHEL as well as L&T that the problems are still there and are like expected to continue at least for possibly the next couple of quarters. So I don't think one should really venture out and buy these stocks at this point of time from an investment angle. Possibly from a trading angle, since they have fallen, we could see some bounce back, which we've already seen to a large extent in BHEL. So I don't expect a bounce back of more than either 3-4% from here. अमरीश, सेसागुआ एनएमडीसी, क्या ये आयन और स्टॉक्स आप खरीदेंगे, क्योंकि सरकार कोशिश पूरी तरह से कर रही है कि एक तो गोवा में जो माइनिंग बैन वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जल्दी फैसला उसका आ जाए, साथ ही आयन और का शायद एक्सपोर्ट जो पाबंदी लगी हुई है उसे हटाने की बात कही जा रही है, क्योंकि इस वक्त डॉलर की सख्त ज़रूरत है हिंदुस्तान में. क्या इस खबरों के दम पर खरीदारी का मौका दिखता है, यदि हाँ तो कहाँ? I think clearly there is a hope out here, because this is one way of increasing our exports and shoring up our foreign exchange. So I think one can take some sort of a call in this space, hoping that the ban gets over soon. So I think at these levels, both these stocks are in fact decently cheap. But then I suppose one can buy from expectation that this ban could be removed going ahead. So I think at these levels one can buy this. Okay, तो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की. सेसा गो ऑफ कोर्स उन डेवलपमेंट्स के चलते काफी एक्टिव है आज. लेकिन यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स जो हरकत में दिखाई दे रहे हैं, टू व्हीलर साइड पर आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स क्लोजर टू 2% तक के गेन्स दिखाने में कामयाब. यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट है, रफ्तार पकड़ सकते हैं और ये काउंटर्स सौमिल? ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ओवरऑल आउटलुक नेगेटिव है ऑन हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, M&M, ऑल ऑफ दी स्टॉक्स. लेकिन इस समय मार्केट पुलबैक मोड में है और ऑटो स्टॉक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ऑल पुल बैक कर सकते हैं. हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है गेन्स, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा. लेकिन ओवरऑल मेरा बायस नेगेटिव है ऑन ऑटो स्टॉक्स एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग टू गो शॉर्ट अगेन व्हेनेवर वी गेट अ वीकली नेगेटिव क्लोज. ओके, तो यहाँ पर बिकवाली करें अगर वो एक वीकली नेगेटिव क्लोज का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है. लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रैक्शन जरूर दिखा है. मिड कैप बैंक्स है जो एक्टिव हुए हैं, सिंडिकेट बैंक हो, अलाहाबाद बैंक हो, आप बैंक निफ्टी पर लार्जली बुलिश हैं आशीष, क्या इन छोटे बैंक्स में भी और तेजी की जा सकती है आज एक ट्रेड के लिए इंट्राडे? देखिए पुल बैक इनमें कंटिन्यू रह सकता है, बट मैं बहुत स्पेसिफिक रहूँगा टू गो लॉन्ग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक ICICI बैंक एंड यस बैंक. इवन इन PSU में अगर से मुझे कुछ चूज करना होगा तो देन SBI को एक पुल बैक के लिए मैं यूज़ करना चाहूँगा, बट मिड कैप बैंकिंग स्पेस में मैं थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि इनमें काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है. अभी हमने देखा कि देना बैंक में ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन 2 महीने के अंदर में देखने को मिला, तो इस तरह का जो वोलेटिलिटी इस स्पेस में रहे तो उसको मैं समझता हूँ कि अवॉइड करके फ्रंटलाइन बैंकिंग स्पेस में फोकस रखना ज़्यादा जरूरी होगा. चलिए, वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का. अमरीश, सौमिल और आशीष, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए आज वक्त देने के लिए. 120-125 अंकों पर सेंसेक्स एंड निफ्टी 35 अंक मजबूत गैप अप ओपनिंग. गैप अप ओपनिंग के बाद 5500 के लेवल को निफ्टी लगातार होल्ड करता हुआ दिख रहा है. स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर भी उतने ही मजबूत है जितने कि दिग्गज. बढ़ने वाले शेयरों की तादाद दुगुनी से ज़्यादा, इनफैक्ट लगभग तिगुनी होती हुई दिख रही है. इस वक्त 625 स्टॉक मजबूत है, 225 स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी का माहौल. तो काफ़ी बेहतरीन ब्रॉड बेस तेजी के साथ शुरुआत भारतीय बाजारों ने की है. लेकिन क्या सोच रहे हैं FIIs हिंदुस्तान के बारे में? क्या इन लेवल्स पर भारतीय बाजार अट्रैक्टिव है? क्या करेंसी की गिरावट रुकती हुई नजर आएगी? और क्या Q3 के खत्म होने का खतरा भारतीय बाजार डिस्काउंट कर चुके हैं या फिर अब भी दिक्कतें बढ़ने वाली? इन सब सवालों के जवाब लेंगे. हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे जूलियस बैरो के हेड ऑफ रिसर्च एशिया मार्क मैथ्यूज इस छोटे से ब्रेक के बाद. NCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents Pehla Sauda.